थोड़ी देर तक के लिए साइलेंस था। एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का राउंड आकर के लगता है, उसके जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो हमारे दो कमांडोस को इंजर्ड कर देते हैं, हैवीली ब्लीड करने लग जाते हैं। जब लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को ये पता चलता है तो वो उनके जो बड़ी पेयर थे हवलदार महेंद्र सिंह उनके साथ उस तरफ एडवांस करते हैं ताकि वो उन्हें फर्स्ट एड दे सकें। जाते समय उनकी जो पोजीशन थी वो रिवील हो चुकी थी टेररिस्टों को, वो दिख गए थे और टेररिस्ट ने वहां पर फायर खोल दिया। एक गोली उसमें से आ करके हवलदार महेंद्र सिंह जी थे उनके एब्डोमेन से लेकर के निकल करके उनकी स्पाइन में आकर के लगी। उनका जो लोअर हाफ था वो पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया और वहीं के वहीं गिर। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी देखते हैं बट वो जा नहीं सकते क्योंकि वो उनकी पोजिशन पे थे और उन्होंने अपना फायर खोला। दो गोलियां उन्हें भी आकर के लगी, एक गोली उनके शरीर के थ्रू पास हो चुकी थी, दूसरी गोली अंदर ही थी, वो भी हैवीली ब्लीड करने लगे। दोस्तों उन्होंने गोली लगने के बाद भी अपनी बंदूक को उसी तरफ पॉइंट रखा और गोलियां चलाते रहे। धीरे धीरे वो फेंट होने लगे थे बट फिर भी फायर कर रहे थे और जो टेररिस्ट आगे आ रहे थे उनको उन्होंने मार गिराया। उसके बाद उन्होंने फायर स्टॉप करा और अपने बड़ी के पास और वो जो दो घायल जवान थे उनके पास क्रॉल करने लगे अपने हाथों से। इसी दौरान एनर्जी कम होते गई और वो फेंट होते गए। बारिश आ गई, बारिश से उनके जो पूरे वुंड्स थे वो धुल चुके थे, पूरा ब्लड नीचे की और पूरा वॉश हो चुका था। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि वो बेहोश हो गए और आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसके बाद पीछे से जो उनके टीम लीडर थे मेजर कुमार एल्बोस पे क्रॉल करते हुए आते हैं। हवलदार महेंद्र सिंह जी थे, लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जी के बड़ी, उनको उन्होंने इवैक्यूएट करा सबसे पहले। फिर वो क्रॉल करते हुए ही गए, उन्होंने लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जी के हाथ पकड़े और उनकी पल्स चेक करी बट पल्स नहीं थी। उन्हें बहुत ज़्यादा यू नो डिसबिलीव था, उन्हें उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा हो भी सकता है बिकॉज ही वॉज द फेवरेट सोल्जर ऑफ मेजर कुमार। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी फिर से एक नाटक कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट उनके पास आएं और चेक करें पल्स नहीं है और चले आएँ और फिर मोहननाथ गोस्वामी जी उठेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। उन्हें ऐसा ही लग रहा था, यू नो इट वॉज अ ग्रेट डिसबिलीफ इन विच ही वॉज। वो ये बताते हुए कहते हैं कि सिटिंग देयर विथ हिम हिज फ्लैश कोल्ड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग feeling more unreal. A good part of me said he would wake up. This wasn't a man who could be fled by bullets and yet here he was cold. इसी बिलीफ के दौरान उन्होंने सुबह तक वहीं पर हॉल्ट करके रखा। सारे टेररिस्ट एलिमिनेट हो चुके थे रात को ही और सुबह तक उन्होंने हॉल्ट करके रखा बट मोहननाथ गोस्वामी जी उठे ही नहीं। वहीं पर ऑन द स्पॉट वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सत्सल्यार वहीं पर सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। जो जादूगर थे पलटन के वो अब नहीं रहे और शाम को जब वो वापस यूनिट पहुंचते हैं सब बड़ा खाना यूनिट में मनाया जाता है। हर एक यूनिट में अपना एक बड़ा खाना होता है जो कि एक सक्सेसफुल मिशन या फिर ऑपरेशन के बाद प्लान करा जाता है। उसमें सारे ऑफिसर्स और सारे जवान को रिगार्ड्स देते हैं। ये न्यूज़ जब उनकी वाइफ तक पहुँचती है और उनकी फैमिली तक पहुंचती है वो सब टूट चुके होते हैं। एक और बात थी जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी कि लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी अपना एक नया घर बनवा रहे थे जिसकी कंस्ट्रक्शन वो चालू करके आए थे जब वो छुट्टी पे गए हुए थे। वो नया घर जैसे ही बनता वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते। उनकी जो बेटी थी वो प्राइमरी एजुकेशन कर रही थी, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन रोक दिया। उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो वहीं रहेंगे जो उनका पुराना घर है वहीं पर, क्योंकि उस घर से उनकी यादें कनेक्टेड थी बहुत ज़्यादा। आप सोच सकते हैं क्या स्टेट रही होगी और कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उनकी वाइफ। दोस्तों हर एक यूनिट में अपना एक ट्रेडिशंस होते हैं और फौज की ये खूबसूरती है कि भले ही आप चले जाते हो बट आपकी एक फैमिली रहती है और फैमिली आपकी यूनिट रहती है, वो आपकी जो फैमिली रहती है उसका ध्यान रखती है, आपका एक पूरा परिवार बन जाती है फौज। फौज एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जगह है जहाँ पर आप बॉन्ड बनाते हो और वो बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप भी इससे रिलेट कर सकते हैं, जब भी कोई हमारे करीबी कोई जाता है तो हमें कितना दुख होता है, वो दुख पूरी यूनिट बनाती है। आप सोच सकते हैं कितने हाई लेवल का हाई ऑर्डर का बॉन्ड रहता है जो कि हर रोज़ चेरिश करा जाता है,
हमारी फौज में, दैट्स व्हाई वी आर द मोरल आर्मी एज दे से। सो दोस्तों, शहीद लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जी की जो बॉडी रहती है वो हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप करी जाती है उनके गांव उत्तराखंड में, एकदम श्रद्धांजलि दी जाती है। लास्ट जो भी प्रोसेसेस रहती हैं, रिचुअल्स रहते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। 26 जनवरी को उन्हें अशोक चक्र, पोस्थमसली अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। उनकी वाइफ रिसीव करती हैं, वो आज भी उनकी वाइफ कहती हैं कि इन माई हार्ट अ वॉइस वुड टेल मी दैट एज अ कमांडोज वाइफ आई नीड टू बी एज फियरलेस एज ही वॉज। इफ वन हैज टू डाई इट कैन बी एनीवेयर। और यही खासियत है हमारी फौज की, लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जैसे हजारों लाखों फियरलेस वॉरियर आज भी लड़ रहे हैं हमारे लिए और आज भी ऑपरेशन चल रहे होंगे उस घाटी में, और हम यहाँ बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हर एक वीडियो में कहता हूँ, वही एक क्वेश्चन आप फिर से पूछिएगा अपने आप से कि हमारे जो वीर जवान हैं वो जो प्राइस पे कर रहे हैं, क्या उस प्राइस के हम काबिल हैं? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर रोज़ चेरिश कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर रोज़ निभा रहे हैं? ये सवाल ज़रूर पूछेगा अपने आप से। सो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर काम देश के नाम।